नाम चंद्रनदीप सेठ है। मेरा पेट डेली वाला है। 10 ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹੌਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਮਹਾਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 28 जुलाई ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਸਕਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ। हाँ जी, मेरा बेटा है पहला बुखार होया सी ते बाद एकदम गले च इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई ते इनू खाना पीना भी बिल्कुल नहीं जा रहा। अंदर गल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती ते अहीं बहुत घबरा गए हाँ, बहुत परेशान हाँ। सानू फिर जलियाले तो सानू इन्होंने डॉक्टर ने दसिया, इन्होंने डॉक्टर बारे दसिया, फिर असीं इत्थे आए, फिर इन्होंने साडा ट्रीटमेंट कराया ते हुण 4-5 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किया है डॉक्टर सर ने, थैंक यू। मैं डॉक्टर अनुकरण महाजन ENT स्पेशलिस्ट एवं सर्जन। ये मरीज हमारे पास पिछले 1 हफ्ते से चल रही अपने गले की तकलीफ की वजह से आए थे। इनके गले में बहुत तेज दर्द था, बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी और कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था। इतना तक कि पानी पीने में भी इनको बहुत मुश्किल हो रही थी। जब हमने इनके टेस्ट किए तो हमें मालूम लगा कि ये कोई गले की आम बीमारी ना होकर पर्ट्यूसिस यानी कि वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी की गंदी बीमारी है। ये बीमारी आमतौर पर बच्चों में होती है, पर ये किसी भी उम्र में मरीज को अपनी चपेट में ला सकती है। इसमें नाक, गला और छाती एवं सांस का पूरा रास्ता खराब हो सकता है और जानलेवा रूप में बदल सकती है। इस बीमारी का पता लगने पर हमने कंसर्न्ड हेल्थ अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म किया और मरीज का प्रॉपरली इलाज किया। इस इलाज में मरीज के साथ साथ में उनके संपर्क में आए हुए उनके रिश्तेदार जैसे कि उनके माँ बाप का भी हमें इलाज करना जरूरी था ताकि वो आगे चल के इस बीमारी की चपेट में ना आ जाए। अभी मरीज एवं उनके माता पिता बिल्कुल ठीक हैं और घर जा रहे हैं।